हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो जैसा कि यार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया क्लास 12 फिजिक्स की भी तैयारी शुरू कराओ, ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का पूरा सिलेबस, न्यू सिलेबस देखने वाले जो आपका इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है, ठीक है। कितने चैप्टर है, क्या क्या उन पर पढ़ना है, ठीक है, सब कुछ आज आपको इस वीडियो पर बताएंगे। क्योंकि यार जब हमारी रणनीति पहले से पता होगा हमें कि हमें कितने चैप्टर पढ़ने, क्या क्या पढ़ना उन पे, तब तो हम मस्त तैयारी कर पाएंगे क्लास 12 फिजिक्स की और बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छे से 70 में 70 नंबर ला पाएंगे, ठीक है। तो आज पूरा सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ आज इस वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है। तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके, चैनल से वो लोग भी जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे ही अगला वीडियो आए, जैसे ही आपका पहला चैप्टर हम स्टार्ट करें, तो उनके पास वीडियो पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। तो सब लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। तो आज शुरू करने वाले क्या पहला ये जो वीडियो है, इस पर हम केवल सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर है हमारे पास जिनको हमें पढ़ना है क्लास 12 फिजिक्स में, ठीक है। तो सब कुछ आज की वीडियो पर बात करेंगे। तो देखो, अगर बात करें क्लास 12 फिजिक्स की, तो क्लास 12 फिजिक्स में हमारे पास दो बुक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। दो बुक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो देखो, पार्ट 1 पे बात करें कितने चैप्टर है, उन पे क्या पढ़ना है, तो वो देख सकते हो, यहाँ पे हमने लिख रखा है, ठीक है। इतने चैप्टर है हमारे पास। पहला पार्ट है पार्ट 1, जो क्लास 12 फिजिक्स की पार्ट 1 बुक है, उस पे पहला पार्ट हमारे पास वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ये पहला पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस पे हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे वैद्युत आवेश क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जान लो, क्लास 12 फिजिक्स का जो पार्ट 1 बुक है ना, सबसे ज्यादा इसका पहला चैप्टर जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इसी से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो एकदम मस्त तरीके से पूरा बेसिक पढ़ते हुए अच्छे से पढ़ेंगे इसे, ठीक है। तो बहुत ही जल्द, मान लो आज आपको सिलेबस बता रहे, कल से आपकी क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएंगी क्लास 12 फिजिक्स की। पहला ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं, चैनल पर अगर सब लोग नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, आपकी बहुत जल्द क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा चैप्टर हमारे पास स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, क्लास 12 फिजिक्स का पार्ट 1 बुक का दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस पे आपको वैद्युत विभव के बारे में पढ़ना है, धारिता के बारे में पढ़ना है, संधारित्र के बारे में पढ़ना है और इसके कई सारे डेरिवेशन है, जैसे अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव, निरक्षी स्थिति पर वैद्युत विभव, समानता प्लेट संधारित्र की धारिता, कई सारे डेरिवेशन है। जब आपको शुरू करेंगे चैप्टर तब आपको पूरा पता चलेगा, ठीक है। जान लो, ये सारे चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा चैप्टर है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तीसरा चैप्टर कौन है, वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नाम से पता चलता है विद्युत धारा, इसके क्वेश्चन ये जान लो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं। विद्युत धारा चैप्टर के बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसके बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे व्हीटस्टोन सेतु हो गया, इसी पर व्हीटस्टोन सेतु है, और भी कई सारे डेरिवेशन भी इस पर, जैसे किरचॉफ का नियम है आपका, और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा बनाती इंपॉर्टेंट इस चैप्टर को, ठीक है। तो इसे भी एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। जब क्लासेज स्टार्ट होंगे आप खुद कहोगे इस तरह से पढ़ेंगे तो बढ़िया 70 में 70 लाएंगे क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में, ठीक है। चौथा चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ठीक है। फिर चुंबक वाला, ये आपके वैद्युत के हैं, मतलब कि स्थिर वैद्युत की के वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, फिर वैद्युत विभव तथा धारिता है, फिर इसके बाद विद्युत धारा है, फिर इसके बाद आता है चुंबक वाला, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ठीक है। गतिमान आवेश और चुंबकत्व वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इसमें चुंबक के बारे में पढ़ना, और भी इसमें कई सारे डेरिवेशन हैं जिनको हमें पढ़ना है गतिमान आवेश और चुंबकत्व पे, ठीक है। फिर इसके बाद चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चुंबकत्व के बारे में पढ़ना और द्रव्य, ठीक है। ये आपके जो 2-3 चैप्टर हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों चैप्टर आपके क्या है, रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। क्योंकि इसमें भी चुंबक वाला, इसमें भी चुंबक वाला, इसके जितने भी डेरिवेशन है, ये दोनों चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने होंगे, ठीक है। गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और चुंबकत्व एवं द्रव्य वाला, ठीक है। फिर इसके बाद ये चैप्टर देख सकते हो, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर भी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो वैद्य चुंबकीय प्रेरण पे आपको अन्योन प्रेरण है और आपका स्व प्रेरण है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको वैद्य चुंबकीय प्रेरण पे पढ़ना है। फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करेंट। ठीक है, इस पर आपके बहुत से टॉपिक जैसे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हो गया, ये पेपर में पूछा जाता है, और भी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, और आपका चल कुंडली धारा मापी हो गया। ठीक है, सब चीज़ें आपका प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर पे, ये सब चैप्टर बहुत ही मस्त तरीके से आपको एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, टेंशन बिल्कुल ना लो, मस्त तैयारी होगी। केमिस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट है, पहला चैप्टर केमिस्ट्री का हमने कंप्लीट भी करा दिया है, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक भी दे देंगे आपको, उस पर भी जाके देख सकते हो, फिजिक्स वाली लिंक भी लगा देंगे, ठीक है, केमिस्ट्री की लिंक भी लगा देंगे, दोनों पे प्लेलिस्ट आप जाके जुड़ जाओ प्लेलिस्ट से, जैसे कोई वीडियो आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, अगला चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें तो आपको सभी तरंगों के बारे में पढ़ना है, जैसे गामा तरंगे कौन सी होती हैं और आपकी बीटा तरंगे, मतलब सारी तरंगों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे वाले चैप्टर पे, तो ये आपका पार्ट वन है। ठीक है, पार्ट वन फिजिक्स की बुक का, पार्ट वन बुक का है ये, देख सकते हो, वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, वैद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा और वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, और एक चीज और लो यार, सब लोग एनसीईआरटी की फिजिक्स की बुक ले लो, ठीक है, जिससे ही हम शुरू करेंगे ये सारे चैप्टर। ठीक है, तो वो बुक होगी आपके पास तो मस्त तैयारी भी हो सकेगी। आप बात करते हैं पार्ट टू पे हमारे पास कितने चैप्टर हैं, पहला चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ठीक है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र है जिसपे आपका, जैसे आपके लेंसों के बारे में आपको पढ़ना है, दर्पण के बारे में पढ़ना है, और भी आपके जैसे प्रिज्म वाला चैप्टर है, ठीक है, प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, और आपका जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये सारे टॉपिक आपके इसी पे है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र पे। ठीक है, मानव नेत्र भी है इस पे। ठीक है, तो सब कुछ आपको इन पे पढ़ना है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर है तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इस पे व्यतिकरण है आपका, विवर्तन वाला चैप्टर है। ठीक है, व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस पे भी है। ठीक है, यंग का द्विस्लिट प्रयोग है, ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में इसी तरंग प्रकाशिकी चैप्टर से, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। ठीक है, द्विग्रेखा क्षेत्र के लिए। फिर इसके बाद अगला चैप्टर इसी टाइप से, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इस पे आपको पदार्थ की द्वैती, पदार्थ की द्वैती प्रकृति या पदार्थ की दोहरी प्रकृति के बारे में पढ़ना है, और जैसे इस पे आइंस्टीन का समीकरण है, बोहर का परमाणु मॉडल भी है इस पे। ठीक है, उसकी कमियाँ, और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे डी ब्रोगली का समीकरण इसी पे, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति पे, तो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, फिर इसके बाद अगला चैप्टर है परमाणु। परमाणु वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु वाला चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर भी बहुत मस्त मस्त टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब शुरू करेंगे तब आपको पूरे एक एक पास पढ़ाते चलेंगे। फिर अगला है चैप्टर नाभिक। ठीक है, नाभिक वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाभिक वाला चैप्टर, इस पे द्रव्यमान, क्षति और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना है नाभिक वाले पे। ठीक है, फिर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ युक्ति के, पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ, इस पे पीएन संधि डायोड, ये सारे टॉपिक है। ठीक है, पीएन संधि डायोड क्या होता है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, इस चैप्टर से पीएन संधि डायोड। ठीक है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक, पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ, इसी पे है पीएन संधि डायोड। ये क्वेश्चन तो मान लो एक फिक्स क्वेश्चन है जो कि हर साल पेपर पे आता है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से जब शुरू करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बताते चलेंगे और चैप्टर भी अच्छे से एकदम शुरू करेंगे। तो आज आपको सिलेबस इसलिए बता दिया कि जब सिलेबस पता होगा कि कितना हमें पढ़ना है, कितने चैप्टर हैं, तब आपका गोल अच्छा हो पाएगा, अच्छे से आप अपना उद्देश्य बना पाओगे कि कैसे हमें तैयारी करनी। ठीक है, और हम तो बैठे तैयारी मस्त कराएंगे ही। कल से आपकी क्लासेज स्टार्ट है, वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो जिससे वो भी अपनी तैयारी क्लास 12 की मस्त कर सके। ठीक है, फिजिक्स की क्लासेज कल से स्टार्ट हैं और केमिस्ट्री की तो हमने एक चैप्टर कंप्लीट भी करा दिया है। ठीक है, न्यूमेरिकल अब कराना है, न्यूमेरिकल भी कराने वाले। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, इतने चैप्टर हैं, आप कॉपी पे एक साइड पे लिख लेना। अब कल से पहला चैप्टर स्टार्ट होगा।